दबंगों की करतूत पीट पीट कर ले ली जान। ताकत का घमंड बेसहारा पर भारी। कानून की साख को दबंगों की चुनौती। भाई को बचाना बहन को पड़ा भारी। चुनावी रंजिश में भड़की प्रतिशोध की आग ने एक युवती की जान ले ली। सिर्फ जान ही नहीं ली बल्कि एक परिवार पर दुखों का पहाड़ उड़ेल दिया। मामला वैशाली जिले के बाजितपुर गांव का है, जहां चुनावी रंजिश के कारण एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जिस महिला की हत्या की गई वो बाजितपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य प्रेम कुमार पासवान की बहन बताई जा रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक महिला अपने भाई को दबंगों के चंगुल से बचाने गई थी। इसी दौरान वार्ड सदस्य की बहन इंद्रासन देवी को दबंग पीटने लगे और तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी जान न निकल गई। इस दौरान दबंगों ने वार्ड सदस्य के पूरे परिवार को मारपीट कर घायल कर दिया। हम आए शंकर सिंह के जनचेतन बैठ कर, वहाँ से आए जैसे जा रहे थे तो पीछे से मारा या कपार पर लगा तो हम कहे कि हमको गाड़ी उड़ रहा है ऊपर गा में। जब हम गाड़ी छुरा कर कैसी फुलचंद के बेटा कपिल चौदार नरेश ये सब माने कि चलिया कि एकरे मार दे एकरे पर काल हो। अब वहाँ से हम चल दिए तो फिर हमको बहन हमको चलते है बस इसको मार लाठी छप फिर दिया रात दो। उधर सभी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीदूपुर में चल रहा है। वही घटना को लेकर वार्ड सदस्य प्रेम कुमार पासवान ने बताया कि बीदूपुर थाने में पदस्थापित चौकीदार कपिल पासवान चुनाव में हार गए थे, तभी से उनके परिवार वाले मारपीट करने पर उतारू थे। जब से हम वार्ड में खड़ा हुए जीत का है ना वही दिन से हमको पर काल माने की घर आ रहा था। कपिल चौकीदार ब्याज मुनारी फुलचंद क्या कहता है ए, कपिल चौकीदार के बेटा पत्नी कि सब की एक आज न कल एक मार दिए वार्ड के कभी भैलू एक न हो दिए बल एक मारिए दिए। वही महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर चकसौन बाजार को जाम कर दिया। इसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। इस मामले में चौकीदार समेत 5 लोगों को बीदूपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ हो रही है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। अनिल कुमार, वैशाली।